अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से मैं GTA की एक वीडियो के साथ दोबारा से आ चुका हूँ। और आज हम अपनी जो लैंड क्रूजर V8 हमने लास्ट वीडियो में बाई की थी 300,000 डॉलर्स की, उसमें हम जाएंगे रोड ट्रिप करने के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ट्रैवल भी बोल रहा था कि किसी रोड ट्रिप पे जाना चाहिए, तो आज हम किसी रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसी गाड़ी है और इसकी ड्राइव वगैरह कैसी है। और बाकी हम माउंट चिल्लेट पर जाएंगे और होपफुली हमें रास्ते में कोई मतलब रास्ते में कुछ एनिमल्स वगैरह या माउंटेन लाइंस भी होते हैं तो हमें कोई मुश्किल ना हो। और बस बाकी इस वीडियो में ज़्यादातर इस गाड़ी की ड्राइव ही होगी, तो अब चलते हैं हम। तो माइकल ही ड्राइव कर रहा है, तो पहले फ्रैंकलिन कह रहा था मगर माइकल ने कहा कि मैं ही ड्राइव करता हूँ, तो माइकल इस टाइम ड्राइव कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं और पीछे यहाँ 360 नंबर प्लेट भी लगी हुई है इसके ऊपर, कस्टमाइज नंबर प्लेट जो कि हमें काफ़ी महंगी पड़ी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते पर। और अभी फ़िलहाल ये थोड़ा वाइनवुड हिल्स की तरफ से हम जा रहे थे, अब ज़रा हम आ चुके हैं बेसिकली मेन हाईवे मोटरवे पे। तो अब हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसकी स्पीड वगैरह ड्राइव ब्रेक वगैरह कैसी है। तो हम जा रहे हैं माउंट चिल्लेट पे, जो कि आपको पता है कि अब GTA 5 में लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी और ऊँची माउंटेन है, मतलब समझ लें आप GTA 5 की K2 या माउंट एवरेस्ट है। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि माइकल की ड्राइव क्या ही आला हो चुकी है और ये गाड़ी की ड्राइव काफ़ी अच्छी है। और इस टाइम हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं और अब 100 हो गए। आपको पता चल ही रहा होगा कि GTA के हिसाब से बहुत अच्छी खासी स्पीड है। और अब हम करीब ही हैं, अब हम माउंट चिल्लेट के करीब ही हैं और फिर ऑफ रोड जो रास्ता है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये गाड़ी की हम ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑफ रोड जो रास्ता है वो स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आए होंगे मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ पीछे देख सकते हैं कि लिखा है V8, तो ये काफ़ी मुश्किल से हम बचे हैं, तो नहीं तो हमारे हाथों एक मासूम जानवर का कत्ल हो जाता। तो खैर अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और अब देखते हैं आगे कुछ मुश्किल रास्ते भी आएंगे, कुछ मुश्किल ज़रा ज़्यादा चढ़ाइयाँ होंगी। वहाँ पर भी मैंने किसी तरह गियर शिफ्ट करके फर्स्ट गियर में करके गाड़ी को निकाल लिया था। तो अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और ये शुरू का थोड़ा रास्ता है, ये थोड़ा अभी इजी चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ये ट्रैक बना हुआ है, आगे जाके किसी जगह पे तो ट्रैक बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आला सस्पेंशन है, आप देख सकते हैं टायर्स किस तरह मूव कर रहे हैं सस्पेंशन के हिसाब से, और काफ़ी अच्छी मतलब ऑफ रोडिंग इस टाइम मतलब ये गाड़ी कर रही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं रास्ते में कोई मसला ना है। और यहाँ पे एक का हंटर गैंग भी रहता है जो कि यहाँ पे मतलब किसी को रुकने वगैरह नहीं देता, तो हम देखेंगे कहीं हमारा उनके साथ कोई पंगा वगैरह ना हो जाए। मैंने सुना वो 3-4 ही एक टीम के लोग हैं, तो पर उन्होंने काफ़ी सबको तंग किया हुआ है। और बाकी हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों ने काफ़ी मतलब लोगों को सबको तंग करते हैं और जो भी गुजरता है उन पर वो अटैक करते हैं, मतलब उन्होंने एक तरह से इस पर कब्ज़ा किया हुआ है जबकि ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं उनसे हमारा कोई रास्ते में मसला ना हो जाए। तो अब चलते हैं सीधा हम, ये देख सकते हैं साइड आपको माउंटेन लाइन भी नज़र आ रहा होगा, पर क्योंकि हम गाड़ी में थे तो ये गाड़ी वगैरह से थोड़ा डरते हैं, यहाँ पर यूजुअली ज़्यादातर गाड़ियाँ आती नहीं तो इसी वजह से वो भाग रहे हैं। तो खैर वाकई हमारे इतना मसला नहीं हुआ। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और ये साइड पे ये नीचे छोटी सी एक कार बनी हुई है, तो हम चलते हैं। पर मतलब हमें ना जब ड्राइवर ऊपर को गया था पहाड़ी की तरफ तो उसने देखा था कि वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हुए थे जिन्होंने हंटर वाले यूनिफॉर्म पहने हुए थे, तो हमें लग रहा है कि वो वही लोग हैं। और वो देखिए वो सामने हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल सामने वो खड़े हैं और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं उनसे बात करते हैं। तो हमने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने फ़ाइट करने में मजबूर कर दिया, अब माइकल ने उनको मना कर दिया ट्रेवर फ्लैंकिंग को कि फायर ना करें वो संभाल लेगा, मगर फिर भी आपको पता है उन दोनों ने नहीं माना और फिर से फायरिंग जो है ना वो उन्होंने शुरू कर दी और माइकल की मदद करने के लिए। और इसी दौरान हमारे पीछे क्योंकि जंगल में काफ़ी फायरिंग हुई तो नीचे जो गांव वाले लोग थे और फार्मर्स वगैरह उन्होंने आवाज़ें सुन ली और उन्होंने पुलिस को कॉल भी कर दिया। तो अभी फ़िलहाल हम क्योंकि पहाड़ पे ही थे तो हम थोड़ा थोड़ा ऊपर आते गए और पुलिस हमारी फ़ौरन छूट गई। यूजुअली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे आती भी नहीं है क्योंकि वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो बिल्कुल इस तरह के रास्ते पे आ सके। तो अब फिर से हमारा ये ऑफ रोड वाला थोड़ा रास्ता शुरू हो जाता है और अब मतलब हम दिन के टाइम निकले थे बिल्कुल और अब शाम होने वाली है। तो फ़िलहाल ऊपर जाते हैं, जल्दी से कोशिश करते हैं जाएँ और जाके हम व्यू सनसेट जो है वो इन्जॉय कर लें और उसके बाद हम जल्दी से वापस भी आ जाएँ क्योंकि अब आगे हमें वापस आकर काफ़ी और काम करने होंगे। और साथ दूसरा आपको पता है कि माइकल की इस शहर में काफ़ी अभी इज़्ज़त कम हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से अंडर कवर ही रह रहा था, तो पर अब मतलब वापस इस शहर में माइकल की इज़्ज़त बनानी है।
तो इस वजह से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी होंगी, हाइस वगैरह करनी होगी। और ये देखें, यहाँ पे गाड़ी फंस तो जाती है, मगर मैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से मतलब ब्रेक लगा के फर्स्ट गियर में करके गाड़ी को उसको हैंड निकाल ही लेता हूँ। काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी दो चार ट्राई करनी पड़ी, मगर हैरी गाड़ी यहाँ से निकल गई। तो अब इसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाते हैं सीधा माउंट चिल्लर पे, वहाँ पर जाके उसका व्यू वगैरह देखेंगे। क्योंकि सुना है अब तक काफ़ी देर से माइकल पहले तो गया था, मगर अब काफ़ी देर से वो गया नहीं है। तो सुना है कि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था, और वहाँ पे कुछ टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं थ्रू केबल कार। इस रास्ते को कोई ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, पर हमने क्योंकि अपनी गाड़ी को टेस्ट करना था तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। और अब ये देख सकते हैं वो सामने केबल कार का जो पॉइंट है वो है, और ये काफ़ी मतलब यहाँ से बिल्कुल जो स्टीप है, और ये काफ़ी पतला सा रास्ता है, मतलब दोनों साइड से खाइयाँ हैं, तो यहाँ पे काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ा। तो अब हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के, बस थोड़ा सा ही और रास्ता है और उसके बाद हम वहाँ पे होंगे। तो अब मुझे केबल कार आती हुई नज़र भी आई है। अब यहाँ भी थोड़ा सा मसला हुआ था क्योंकि काफ़ी स्टीप जगह थी, तो थोड़ा मसला हो गया था, पर यहाँ पर गाड़ी और इसके बाद हम उस तरफ हो जाएंगे। वहाँ पे मुझे एक BMX बाइक तो खड़ी हुई नज़र आ रही है, पता नहीं वो है किसकी है। तो ये केबल कार का स्टेशन है, और अब सामने वो बाइक है। किसी दिन हम केबल कार पे भी यहाँ लाजमी आएंगे, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे आते हैं। BMX बाइक एक खड़ी हुई है, ये शायद वैसी खड़ी है, पता नहीं किसकी खड़ी है। अब यहाँ पर ला के हम गाड़ी पार्क करते हैं, और थोड़ा सा गाड़ी की यहाँ से भी व्यू दिखाते हैं गाड़ी के साथ। तो अब वो देखते, सामने एक टूरिस्ट खड़ा हुआ है बैग से, आपको पता चल ही रहा होगा मेरे ख्याल से कोई फॉरेन टूरिस्ट है। तो खैर, आप ये देख सकते हैं पीछे व्यू, पूरी सिटी की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पीछे नज़र आ रही हैं। तो ये सिटी का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना पूरे लॉस सैंटोस का, ये वो पॉइंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो अब ज़रा वहाँ पे जाके हम भी कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। यहाँ पे आके टूरिस्ट भी पिक्चर्स ही ले रहे हैं, तो अब यहाँ से आके पिक्चर्स ले लेते हैं। तो आप देखेंगे ये कैसा आला व्यू है, इन पिक्चर को सेव करते हैं ताकि हम जब वहाँ पे जाएँ तो जाके लेस्टर को दिखा सकें। उसको हमने ऑफ़र तो की थी कि वो हमारे साथ आ जाए, मगर वो साथ आया नहीं, क्योंकि आपको पता है वो बीमार ही रहता है, तो इस वजह से वो नहीं आ सका। खैर, बाकी अब यहाँ पे एक हमें ना प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये है कि लेस्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि मतलब जो ट्रेवर और फ्रैंकलिन जो है ना वो काफ़ी खतरे में है। तो उनका ख़तरा ये है कि जिस टाइम वो उधर से निकल रहे थे बैंक रॉबरी के दौरान, तो उन्होंने मास्क उतार दिए थे और उनको अथॉरिटीज़ ने ना देख लिया हुआ है, मतलब उनको उन्होंने देख लिया हुआ है। तो इनको थोड़ी देर के लिए रहना पड़ेगा अंडर कवर, और क्योंकि इतनी बड़ी रॉबरी थी, पूरे लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक हमने रोब किया था, तो सर पुलिस आसानी से उसको छोड़ने वाली नहीं। तो लेस्टर कह रहा है कि मुझे किसी बड़े माफिया डॉन या माफिया का कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो अथॉरिटीज़ को ब्राइब कर दे हमारे लिए, या जिसके कनेक्शन जो मतलब पॉलिटिकल लोगों के साथ, तो इस तरह का कुछ सीन। तो वो खैर काम कर रहे हैं लेस्टर थोड़ी देर के लिए, हम ऊपर उनको गाड़ी के साथ ही छोड़ रहे हैं कि वो गाड़ी में रह लेंगे। तो माइकल खुद BMX बाइक पे आ गया, तो फिलहाल उनका टेंशन हो रही है, मगर उनको भी हम सेव कर लेंगे इस चीज़ से। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार करना जब हम फ्रैंकलिन और ट्रेवर को बचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।